to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really. Assalamu alaikum ji, welcome back to another Photoshop tutorial video. और आज की जो वीडियो है बेसिकली वो है हमारी के YouTube का बैनर जो है वो हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। और YouTube बैनर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर किसी बंदे ने अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना है। जैसे Facebook पे हमारी DP होती है, ठीक है, डिस्प्ले पिक्चर, तो वैसे ही YouTube बैनर होता है। YouTube चैनल को रिप्रजेंट करने के लिए अपना एक मेन YouTube बैनर बनता है, इसको हम YouTube एड भी कह सकते हैं। ये आपके जो चैनल है उसके टॉप पे लगता है, ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हमने एक पेज सेलेक्ट करना है, जैसे नॉर्मल हम लोग A4 वगैरह सेलेक्ट करते हैं, इसी तरह जो YouTube बैनर है उसके लिए स्पेशल एक पेज होता है, उसका एक स्पेशल साइज़ होता है। उसको कैसे क्रिएट करते हैं आइए मैं बताता हूँ। क्रिएट न्यू में जाएंगे, ठीक है जी। क्रिएट न्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डिफरेंट साइज़ के पेजेस हैं हमारे पास, कोई A4 है, कोई A3 है, ठीक है। इसी तरह अब क्या करना है जी, हमने यहाँ पे जो साइज़ है ना YouTube के लिए, सबसे पहले पिक्सल सेलेक्ट करने हैं। साइज़ जो होगा उसका होगा 2560, ठीक है। देन ये जो विड्थ होगी उसकी वो होगी 2560, देन उसकी जो हाइट है वो होगी 1440, ठीक है जी। रेजोल्यूशन आप 300 कर दें जो कि बेस्ट है। ओरिएंटेशन जो है वो इसकी लैंडस्केप ही होती है, आपने वर्टिकल नहीं रखनी, लैंडस्केप ही रखनी है, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ कि आपने पिक्सल्स को सिलेक्ट करना है। इसकी जो विड्थ रखनी है वो 2560 है, हाइट जो है वो 1440 है, रेजोल्यूशन जो है वो 300 है, और इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक पेज आ गया है। ये बेसिकली YouTube का एक बैकग्राउंड बैनर का जो बैकग्राउंड है, सबसे पहले हम बैकग्राउंड डिज़ाइन करेंगे। तो ये YouTube का एक बैकग्राउंड है, बैनर का बैकग्राउंड है, ठीक है जी। अब राइट साइड पे यहाँ पे जहाँ पे लेयर्स होती हैं राइट बॉटम में, ये बैकग्राउंड की एक लेयर बनी होगी अगर आपको नजर आए, ठीक है। इसको अनचेक कर देना है, अनलॉक कर देना है, ठीक है। अब ये जो बैकग्राउंड है, मतलब YouTube बैनर का जो बैकग्राउंड है, इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं रैंडम, आपने ब्लैक देना है, येलो देना है, चलो हम इसको येलो दे देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट जो बार है हमारी, जहाँ टूल बार है, इसमें है पेंट बकी टूल, इसको सेलेक्ट करना है और इस तरह एक कलर जो है वो आपका आ जाएगा। अगर आप नहीं भी देना चाह रहे, येलो कलर नहीं देना चाहे, फॉर एग्जांपल हम इसको ब्लैक कर देते हैं तो ये ब्लैक हो जाएगा। कोई और कलर देना चाह रहे हैं तो हम इसको पिंक करना चाह रहे हैं, पिंक कर देंगे। अगर आपने यह भी नहीं देना तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं गूगल से कोई बैकग्राउंड इमेज उठा के लाऊं, तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको उसको बता देता हूँ कि वो कैसे अप्लाई करना है, कि आपने फाइल में जाना है, ओपन में जाना है, देन उसके बाद आपने आ जाना है। कोई भी आप इमेज जो आपने गूगल से डाउनलोड करके रखी होगी, वो मैंने रखी हुई थी, तो उसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, ये एक हमारे पास है, ठीक है जी। अब ये इमेज मैंने गूगल से डाउनलोड की हुई थी, इसको भी आपने जो है राइट बॉटम में जाके इसको अनचेक कर देना है। इसको सेलेक्ट कैसे करना है, Ctrl A Ctrl C Ctrl Tab एंड Ctrl V। अब ये जो YouTube का बैनर है, बैकग्राउंड है बैनर का, ठीक है, ये उसके फ्रंट साइड पे आ गया है। इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के लिए Ctrl T प्रेस करेंगे, उससे क्या होगा ये सिलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर लेंगे हम, उससे जो होगा इसके जो पिक्सल्स हैं वो ब्रस्ट नहीं होंगे या फटेंगे नहीं, क्या नहीं, ख़राब नहीं होंगे पिक्सल्स, देन इसको हम कर देंगे ठीक, ठीक है जी। मैं दोबारा बता देता हूँ कि कैसे हम लोगों ने किया है। हम फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, कोई भी आपने जो गूगल से कोई चीज़ डाउनलोड की होगी, बैकग्राउंड डाउनलोड किया होगा, उसको क्लिक करेंगे और देन ओपन कर देंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। आपने क्या करना है, Ctrl A मीन ऑल सेलेक्ट, ठीक है। Ctrl C प्रेस करना है, Ctrl C फॉर कॉपी, देन Ctrl Tab
कंट्रोल टैब उस वक्त आपने दबाना है जब आपने किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर लेके जाना है, किसी और सरफेस के ऊपर जो है वो लेके जाना है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको इधर लेके आए हैं, अब यहाँ पे ला के हम इसको कंट्रोल वी कर देंगे, यहाँ पे जो हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है वो हमारी आ जाएगी। अब क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है और शिफ्ट दबा के इसको बड़ा कर देना, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें दो लेयर आ गई हैं, एक लेयर राइट बॉटम में देखें लेयर्स वाले जो बॉक्स है उसके अंदर देखें तो लेयर ज़ीरो है, लेयर वन है। लेयर वन, लेयर ज़ीरो जो है हमारी जो हमने कलर किया था ब्लैक कलर किया था, लेयर वन है जो हम गूगल से कोई इमेज जो हमने इम्पोर्ट की है, ठीक है जी। देन आपने क्या करना है कि इस लेयर को सिलेक्ट करना है, इमेज में जाना है, फिल्टर में जाएंगे हम, फिल्टर में, ठीक है जी। यहाँ से जाके इसको गॉसियन ब्लर होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ, फिल्टर में जाना है, लेयर सेलेक्ट करके फिल्टर में जाना है, फिल्टर में जाके इसको ब्लर मारना है, गॉसियन ब्लर कर देंगे, ठीक है जी। ब्लर का आप कोई भी अपने हिसाब से रख लें, जैसे आपको ब्लर, आपको चाहते हैं कि जी जो इमेज है वो क्लियर शो हो तो वो रख लें, नहीं तो थोड़ा सा इसको ब्लर ही कर दें। मैं इसको थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ, ठीक है, और ओके कर देते हैं। नेक्स्ट हम रेक्टेंगल टूल लेंगे, ठीक है जी। रेक्टेंगल टूल हम लोगों ने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखेंगे एडोब रेक्टेंगल टूल, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो लेयर वन है इसके ऊपर जाके हम कर देंगे क्लिक। यहाँ पे वो हमसे पूछेगा साइज़। अब जो है बेसिकली YouTube बैनर का जो काम है वो अब स्टार्ट हुआ है। पहले तो हम YouTube बैनर का जो बैकग्राउंड है उसको डिज़ाइन कर रहे थे, ठीक है जी। यहाँ पे जो हमने साइज़ देना है वो है विड्थ 2560, ठीक है, ये विड्थ है, और उसकी जो हाइट है वो है 423, ठीक है जी। मैं दोबारा बता देता हूँ क्या करना है कि रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और इसके लेयर वन सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अब इसकी जो हाइट विड्थ है जो है वो हम रखेंगे 2560 और हाइट रखेंगे 423 और ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है जी। अब आ गया हमारे पास एक रेक्टेंगल, इसका कलर जो है वो हम कर देते हैं ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम इसका कलर ये रखते, मैं दोबारा एक दफा करके बता देता हूँ कि क्या किया हम लोगों ने। 2560 423 ठीक है जी। हमने इसका क्या करना है, कलर चेंज कर देना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया है, इसको नीचे रख लेते हैं हम लोग। अगेन आपने क्या करना है, फिर एक रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और उसको दोबारा से हमने कर देना प्रेस। अब यहाँ पे हमने साइज का चेंज कर देना है 1855 एंड देन 423, हाइट हमने वही रखनी है। बेसिकली हम एक सेकंड रेक्टेंगल चूज कर रहे हैं, उसके लिए जो है हमने हाइट क्या, विड्थ क्या रखी है 1855, ठीक है जी, ओके प्रेस करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी सेकंड रेक्टेंगल, इसको भी सेम कलर दे देते हैं, ठीक है जी। अब एक और रेक्टेंगल लेंगे हम, फिर हम रेक्टेंगल टू पर क्लिक करेंगे,
लेयर वन को सिलेक्ट कर लें या इसी के ऊपर जाके हम लोग इसको, अब जो हम इसकी जो विड्थ है वो रखेंगे 1546। हाइट वही रखनी है 423। ठीक है जी, इसको भी हम यहाँ पर उठा के रखेंगे और इसका जो कलर है वो भी हम सेम कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या है जी, तीन जो रेक्टेंगल्स हैं वो आ गए हैं। ठीक है, अब तीनों रेक्टेंगल को आपने सेलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करनी है, लेयर वाले बॉक्स में जाके, मैं दोबारा बताता हूँ कि लेयर वाले बॉक्स में तीनों को जाके शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर देना। ये जो है हमारे पास ये सेलेक्ट हो गए हैं तीन रेक्टेंगल्स। ठीक है जी, अब आपको ये टॉप में जहाँ पे हमारी ये फाइल लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, इसी के नीचे ये थ्री डॉट्स बने होंगे टॉप पे। ठीक है जी, इनको अपने सेलेक्ट करना है और एक दफ़ा इनको हॉरिजॉन्टल अलाइन करेंगे और एक दफ़ा हम इनको वर्टिकल अलाइन करेंगे। ठीक है जी, अब मैं प्रेस कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक ही उसमें आ गए हैं, अलाइन हो चुके हैं। अब इसको हम करेंगे वर्टिकल अलाइन। ठीक है जी, अब क्या हो गया, जो तीनों रेक्टेंगल से वो एक एक ही उसमें मर्ज हो गए हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है, आपने व्यू में जाना है, व्यू में जाके न्यू गाइड्स फ्रॉम शेप, न्यू गाइड्स फ्रॉम शेप, मैं दोबारा बता देता हूँ, व्यू में जाके न्यू गाइड्स फ्रॉम शेप। अगर आप देखें तो हमारे पास जो लाइंस हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, जो भी जो अब बेसिकली मैं आपको टेक्स्ट लिख के बता देता हूँ। अच्छा जी, जो YouTube बैनर एरिया होगा ना वो बेसिकली ये सेंटर वाला होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा मार्क करके। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ब्रश टूल ले लेते हैं और इसका कलर हम लोग कर लेते हैं चेंज। अच्छा, ये जो एरिया होगा ना जी, ये रेक्टेंगल के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको मार्क करके, ये जो एरिया, ये यहाँ पे आपके जो लोगो, आपने जो भी चीज़ है वो डिज़ाइन करनी होगी वो इस एरिए के अंदर रह के करनी होगी। इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपका जो यूट्यूब बैनर है, आपने यूट्यूब पे उसमें मोबाइल पे किसी ने देखना होगा तो उसको भी प्रॉपर नज़र आएगा, डेस्कटॉप वाले को भी प्रॉपर नज़र आएगा, टीवी वाले को भी प्रॉपर नज़र आएगा। ठीक है, ये एरिया जो है आप देखा है, जो मैंने मार्क किया है, इस एरिया में आपने अपना लोगो चैनल का या सब्सक्रिप्शंस के लिए जो टैग्स होते हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिए हैं, आपका कोई इंस्टाग्राम का लिंक आया है तो वो भी आपने इस एरिया में ही डालना है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ, कंट्रोल जी कर देता हूँ। ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल अब मैं अपने चैनल का एक जो है YouTube बैनर वो डिज़ाइन करता हूँ और आपके सामने आपको दिखाता हूँ कि कैसे YouTube बैनर को डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहले मैं दो तीन आपको इमेज जो मैंने गूगल से डाउनलोड की हुई हैं, एक तो मैं अपना लोगो यहाँ से पिक कर लेता हूँ, फोटोशॉप का लोगो कर लेते हैं और एडोब प्रीमियर का कर लेते हैं, इलस्ट्रेटर का कर लेते हैं और ओपन कर देते हैं। सिलेक्शन के लिए आपने वो जो मैंने बताया कि कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब एंड कंट्रोल बी। ठीक है जी,
अब आपने क्या करना है कि इसका जो ये बैकग्राउंड है इसको हम कर देंगे डिलीट, मैजिक रेजर टूल करके इसको हम कर देंगे डिलीट। ठीक है जी, मैजिक रेजर में दोबारा बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसी सरफेस क्रिएट हो जाती है, कोई इमेज जो हम गूगल से अपलोड इंपोर्ट करते हैं और उसके पीछे कोई ऐसे जो सरफेस है ट्रांसपेरेंट सरफेस आ जाती है, इसको आपने कैसे रिमूव करना है कि मैजिक रेजर टूल लेना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है, बूम। ठीक है जी, अब आप इसको ड्रैग करें फोटोशॉप को, कंट्रोल टी प्रेस करें, इसको आप मिनिमाइज कर लें शिफ्ट प्रेस करके, जो भी आपने साइज रखना है, और यहाँ पे। ठीक है जी, ये मैं आपको अपना डिज़ाइन करना बता रहा हूँ कि कैसे डिज़ाइन होता है। इसी तरह हम लोगों ने एडोब इलस्ट्रेटर का लोगो जो है वो लेके आए थे, कंट्रोल डी करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह डो प्रीमियर का लोगो उठाना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है, इसको मिनिमाइज करना है और जैसे अपने अपने आइकन के मुताबिक इसको रख लेना है। ठीक है जी, ये हमने अपने अकॉर्डिंग जो आपकी जो आप लोगों ने जैसे भी बैनर क्रिएट करना है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये बेसिकली मेरे चैनल का एक लोगो है, मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, तो इसको हम सेलेक्ट करके भी इसको मूव करेंगे। सिलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि ये मैजिक वैन टूल है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, पहले लेयर को अनचेक कर लेंगे और हम चले जाएंगे मैजिक बैंड। Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. ठीक है जी, इसको हम कर लेंगे ड्रैग, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और
ठीक है जी। बैकग्राउंड जो है हम इसका जो है वो हम कर लेते हैं, इसका जो कलर है वो हम चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड जो है डार्क हो गया है, हम कर लेते हैं लाइट। ठीक है जी। ये तो अभी मैं आपको अपना चैनल जो बैनर है, यूट्यूब बैनर, वो डिज़ाइन करना बता रहा हूँ। बेसिकली जो हमने आज की जो क्लास है वो हमारी ये थी कि यूट्यूब बैनर कैसे डिज़ाइन करना है। रेक्टेंगल साइजेस मैंने आपको बता दिए हैं, अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे आपने बनाना है इसको। और रेक्टेंगल टू Me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold outside. I'm alone. अब हम क्या करेंगे कि सब्सक्रिप्शन वाले जो टैग्स हैं हम वो डाल देंगे इसमें, इसको हम रिमूव कर देंगे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। फाइल ओपन, यूट्यूब 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 Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone. I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah. Cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright.
ठीक है जी। तो ये जो है हमारा YouTube बैनर बन गया है। अब इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम इसको ऑटो टोन कर लेंगे, ऑटो कंट्रास्ट कर लेंगे, और अब इसको हम करेंगे सेव। फाइल सेव एज, यूट्यूब बैनर। जेपेक सेव कर लेंगे इसको। ठीक है जी। ये बेसिकली जो हमारा जो बैनर है वो इस टाइम हमारे पास आ गया है। इसको मैं भी अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है जी। तो ये इस तरह हम अपने जो है हमारे पेज पे आ गए हैं, और यहाँ से हम कर देंगे इसको चेंज। सबसे पहले हम इसको कर देते हैं रिमूव, और देन हम इसमें करते हैं अपलोड। डेस्कटॉप पे इस टाइम हमारा पड़ा हुआ है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। और ये अगर आप देखें तो ये इस टाइम चेंज हो गया। अब यहाँ से इसको कर देंगे पब्लिश। ये जो हमारा जो आज का जो टॉपिक था वो यूट्यूब बैनर पे था, जो कि हमने आपके सामने बनाया। फिर उसको आपको रेक्टेंगल्स का डिफरेंट डिफरेंट साइज बताया, उसके बाद इसको हमने कर दिया अप्लाई, और यूट्यूब बैनर बना के वो यूट्यूब पे लगा भी दिया। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू। To blow back up, here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win.